में वो चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। तो इस तरह से ये जो 12 महीने हो गए, तो एक ऋतु जो है 2 महीने चलती है। तो हम ग्रीष्म से शुरू करते हैं। ग्रीष्म मतलब कि वर्षा ऋतु, सॉरी गर्मी वाली ऋतु। तो गर्मी वाली ऋतु में बैसाख और ज्येष्ठ होता है, ठीक है। तो बैसाख और जेठ, जो मई जून जिसको आप बोलते हैं, फिर वर्षा ऋतु जुलाई और अगस्त, फिर अभी जो मौसम चल रहा है अश्विन, भाद्रपद और अश्विन। उसके बाद में जो दिवाली का टाइम आएगा, हेमंत ऋतु होगी, उसमें कार्तिक आएगा, कार्तिक का महीना, कार्तिक में पड़ती है दीपावली अमावस्या को, तो हेमंत। और उसके बाद में पौष और माघ आएगा, शिशिर ऋतु। फिर इसके बाद में फाल्गुन और चैत्र महीने में बसंत ऋतु आती है, जब होली होती है। तो इस तरह से चैत्र से महीना शुरू होता है, लेकिन हमारी ऋतुएं बैसाख से, ग्रीष्म से शुरू करेंगे तो 12 ऋतुएं, सॉरी 12 महीने होते हैं और 6 ऋतुएं होती हैं। इस तरह से आप ऋतु को समझें, जैसे गर्मी, फिर वर्षा, वर्षा के बाद में थोड़ी सी सर्दी, फिर थोड़ी और सर्दी, बहुत ज्यादा सर्दी, फिर और सर्दी, और फिर धीरे धीरे करके कम होते होते फिर ये बसंत का मौसम आ जाता है। तो इस तरह ये है ऋतुओं का चक्र।